लैंडफॉल के बाद सुस्त पड़ा दाना साइक्लोन, हालात सामान्य होने की खबर। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कोलकाता में खुला एयरपोर्ट। अगले 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल प्रोसेस, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा ये तूफान। आज ओडिशा और बंगाल के स्कूल रहेंगे बंद। तूफान के टकराने के बाद ओडिशा के तटीय इलाकों में उठ रही समंदर की ऊंची लहरें, चेतावनी जारी। ओडिशा के कई इलाकों में तेज आंधी के चलते पेड़ गिरे, राहत काम बेजुटी रेस्क्यू टीमें। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर और दीघा में तूफान दाना का असर दिखाई दिया, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही। दीघा में तूफान सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, राहत और बचाव टीमों ने पेड़ों को काटकर रास्ता साफ किया। कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, नेवी की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। कई जगहों पर बनाए गए राहत शिविर। भद्रक में सुबह भी जारी है मूसलाधार बारिश, हवा की रफ्तार में नहीं आई कोई कमी। भद्रक के बासंदा में तूफान के चलते कई जगहों पर गिरे बिजली के खंभे, हवा में उड़ गए टिन शेड, बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत नहीं, अब भी बेहद खराब श्रेणी में है हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार इलाके में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब, करीब 400 के पार पहुंचाई है। हवा की गुणवत्ता सुधारने की मुहिम जारी, एमसीडी की तरफ से हर जोन को दिया गया 20 लाख का फंड। दिल्ली की यमुना नदी में आज भी दिखा जहरीला झाग, ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। मुंबई में प्रदूषण की मार छाई, शहर में धुंध, मरीन ड्राइव से सामने आई ये तस्वीरें। यूपी और एमपी के लोगों को मिली बड़ी सौगात, इटावा में यूपी और एमपी को जोड़ने वाला चंबल नदी पर बनेगा आधुनिक सिग्नेचर पुल। कर्नाटक के हसन में लोगों के लिए खोला गया हसनंबा मंदिर, दर्शन के लिए पहुंचे लोग। दिल्ली में जर्मन बिजनेस का 18वां एशिया प्रशांत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई में मामी मुंबई फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, अभिनेता मनोज बाजपेयी ने शिरकत की। राजौरी में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का टीजर जारी, निर्माताओं ने फिल्म का नया मोशन पोस्टर जारी किया, 15 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पुष्पा 2 की फिर बदली रिलीज डेट, 6 दिसंबर के बदले अब 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। करीब 35 साल बाद शाहरुख खान के मशहूर टीवी सीरियल फौजी का बन रहा है सीक्वल, पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज में शूटिंग शुरू। फौजी 2 में विकी जैन और गौहर खान समेत कई नए चेहरे नजर आएंगे। टीवी पे लौट रहा है सीआईडी, एसीपी प्रद्युमन की सामने आई पहली झलक, प्रोमो में शिवाजी सतम उर्फ एसीपी प्रद्युमन की झलक दिखाई थी।